कोविड की दूसरी लहर में आज सबसे कम केस आए हैं देश में, और तीसरी लहर को बताया WHO द्वारा अलर्ट कर दिया गया कि तीसरी लहर भी आएगी। इसमें कौन से लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा होगा, कितने साल के लोग, कितने साल के लोगों को, कितने से कितने वर्ष? नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मंडल, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं मुरादाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम कोविड पैंडेमिक की सेकेंड लहर से गुजर रहे हैं और अब केस भी कम आने चालू हो गए हैं, और बेसिकली सेकेंड लहर में देखा गया है कि 11% से 60% लोगों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम भी मिले हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम तो आप सभी लोग जानते हैं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम में बेसिकली पेशेंट्स को कुछ सिम्टम होते हैं जैसे एनोरेक्सिया, भूखना लगना, नॉजिया, उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग, उल्टी होना और लूज मोशन। तो जैसे अक्यूट वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी यही सिम्टम होते हैं। तो कोविड के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम और अक्यूट वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिकली दो चीज़ें होती हैं कि जिन पेशेंट में पेट के सिम्टम के साथ साथ लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हो, तो उनको बेसिकली कोविड रिलेटेड सिम्टम मानना चाहिए और ऐसे पेशेंट को कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। और जैसा आपने पूछा कि अब हमारा सेकेंड लहर धीरे धीरे कम हो रही है और केस भी कम आने चालू हो गए हैं, कंट्रोल में है, और जैसा कि एक्सपर्ट ने और WHO ने बताया था कि तीसरी लहर आना है, इनएविटेबल है, जो आएगी और मोस्ट प्रॉबली कहा जा रहा है कि विदिन 6 मंथ ये लहर आएगी। और एक्सपर्ट ने बोला है कि बेसिकली इस लहर में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, और आप देख रहे हैं कि सरकार ने ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्पेशली PICU और बच्चों के ICU की व्यवस्था करना भी स्टार्ट कर दिया है अपनी तरफ। सर, इसी लहर जो आनी है उसमें कितने साल के बच्चे लगभग होंगे, कितने वर्ष से कितने वर्ष के ये खतरनाक है, उसके उपाय के ये बच्चे क्या करें, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? बेसिकली जैसे आपको पता है कि अभी जो एज ग्रुप है वो बोला जा रहा है, जैसे वैक्सीनेशन हमारा मोर देन 80 ईयर में स्टार्ट हो गया है, तो एडल्ट में पहले से वैक्सीनेशन हो रहा था, अब मोर देन 18 ईयर में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। तो देखा जा रहा है कि बोला जा रहा है, रिसर्च में बताया जा रहा है कि लगभग लेस देन 18 ईयर और छोटे बच्चे मोस्टली अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। वैसे तो बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी होती है, पर यही बोला जा रहा है कि लेस देन 18 ईयर वाले लोग ज़्यादा अफेक्ट होंगे, और तो फिर पता लगेगा। और प्रिवेंशन के लिए तो यूनिवर्सल तीन प्रिवेंशन है, तो बेसिकली सेफ डिस्टेंस और मास्क और रेगुलर हैंड वॉश। अब हमारे पास एक नया वेपन है जो कि वैक्सीनेशन है, तो हमें अपने आप को वैक्सीनेशन कराना है और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, वो हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन जैसे कोई भी बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करना है, हमें सुपर स्प्रेडर नहीं बनना है। दूसरा, जो सरकार की और WHO की गाइडलाइंस हैं हमें उसको फॉलो करना है, तो इससे हम सेफ रहेंगे और जल्दी ही थर्ड वेव को भी कंट्रोल कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।